नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों, 17 साल पुराना ईश्वरत जहां फेक इनकाउंटर केस का आज वर्डिक्ट आया है। अहमदाबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ईश्वरत जहां के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं पाया है जिससे कि कहा जा सके कि वो आतंकवादी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे कोर्ट ने ये कहा है कि ईश्वरत जहां वॉज अ टेररिस्ट। उसी के साथ साथ तीन और पुलिस कर्मियों पर जिन पे कि केस चल रहे थे, उन सबको सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये भी कहा है कि वो एक फेक इनकाउंटर केस नहीं था। दोस्तों, ये समझने की बात है, जिन राजनीतिज्ञों ने ईश्वरत जहां इनकाउंटर केस का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे वो CPM की ब्रिंदा कारत जिन्होंने एम्बुलेंस सर्विस ईश्वरत जहां के नाम पे चालू की, ये सभी इन सभी को आज बैठकर ये सोचना चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स किस स्तर तक गिर गई है जो कि एक आतंकवादी को एक मासूम बताकर उसके हिसाब से वोट मांगते हैं। ये एक और साथ साथ में न्यायिक प्रक्रिया पे भी एक काफ़ी सोचने की बात है कि एक केस का वर्डिक्ट आने में 17 साल लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे पुलिस वाले होंगे जिन जो कि इनका पूरा पूरा करियर बर्बाद हो गया होगा या फिर वो सस्पेंशन में ही रिटायर हो गए होंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपने न्यायिक प्रक्रिया और जांच की एजेंसियों की रफ्तार भी देखनी चाहिए और साथ साथ में पॉलिटिशियन को भी सोचना चाहिए कि वो किन मामलों में अपना टांग अड़ाएं। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।